सर बिहार में सर एक बाबा आए हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, हिंदू आए हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र होगा और बिहार वो तब तक आते रहेंगे जब तक राममय नहीं हो जाएगा। लोगों ने आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े, जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उस पर कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए तो बातें नहीं आता, इसको कोई बताता है क्या है बिहार देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था, आप जरा बताइए, हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है, लेकिन हमको तो कुछ कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। सर अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है, जो भी अपना धर्म की पूजा करे करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है तो बिहार से करने की कोशिश करते हैं, नामकरण हुआ है, बताइए साहब आप लोग राम मैं बोल रहे हैं कि राम मैं तो राम मैं नहीं है, अभी क्या था राम मैं कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं, राम मैं कर देंगे बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है, और किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं, और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर आकर के ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, आ किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ, तो ये सब कितने धर्म है, आ कितने लोग आते हैं देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो सब आते हैं, तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे, और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए कोई का मंदिर हो कुछ भी हो सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं, सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें अपने ढंग से काम करें, उसमें लेकिन बाबा बिहारियों को पागल बोलते हैं, बिहारियों को पागल बोलते हैं, कोई बिहार को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है, कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है तो सबसे कोई वैल्यू है, मंच से बिहारी को पागल बोला जा रहा है, देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना, और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो आप ही को देखना चाहिए, और हम तो समझते हैं कि मीडिया अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको तो मजबूरी है भीड़ से उठा, इसीलिए बोल दिए आप हमसे पूछ रहे हैं तो हल्का और संक्षेप में, केंद्रीय मंत्री आरती उतार रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं, जो भी नीति है जो संविधान में है हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते हैं, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है, सर इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को आपको लगता है कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ, नहीं नहीं ये संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा सर, क्या कहेंगे आपको, आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना
संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से ऊपर रहेगा तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है या संविधान में कोई चीज होता है? इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी। इसलिए इसमें कोई बात नहीं, हमको तो आश्चर्य होता है इन सब चीजों कोई मतलब। सर बाबा के समर्थक बोल रहे हैं कि सरकार ने सहायता नहीं दी है कार्यक्रम में। हम लोग कौन धर्म के जितने हैं, हम आपको बता रहे हैं 7, इन 7 जगह जब हम केंद्र में भी थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी हम कहां नहीं गए, देश भर के हर कोने में जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? आपके बारे में कह रहे हैं कि सनातन धर्म से कोई दिया है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार को। नहीं नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड मंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। सर बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सहायता नहीं दिया गया, मिलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, तो मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसे जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं। आप आश्वस्त क्या कहेंगे? बिहार में इतना बनी रहेगी सभी जाति धर्म के, बिल्कुल ये सब तो अच्छी तरह जानिए, देश में भी बना रहेगा। कोई ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता है। अब अभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप बताइए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे, कभी कोई हुआ है क्या हस्तक्षेप? तो इसलिए जरा समझना ना चाहिए भाई कि किसी चीज को जानना चाहिए और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे, कोई किसी को रुकावट है, सब कर सकता है।